अरे यही कोई 7 बजे तक। और लबीबा को क्या जवाब दिया? किस बात का? अबे यार तुझे प्रपोज किया उसने, कोई तो जवाब बनता है। तुम्हें कैसे पता? मुझे क्या, पूरे ग्रुप को पता। क्या ये कितनी पर्सनल बात थी, वो सबको ज्यादा के बता रही है। दिस इज नॉट ऑन यार। कम ऑन यार, हम सब फ्रेंड्स ही तो हैं। ये बताओ सोचा क्या तुमने? क्या सोचना है यार? अच्छी लड़की है लबीबा, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है उसका। अगर ऐसा हो जाए तो तुझे उसके साथ साथ मुल्क से बाहर पढ़ने का मौका मिल जाएगा। लाइफ पार्टनर के ना कुछ क्राइटेरिया है मेरे, और वो तेरे क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है। नहीं तो उसे इनकार कर देते यार। इस तरह ब्लंटली इनकार करना मुझे अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी मैं किसी को क्यों सफाइयां देता फिरूं कि मैंने उसे क्यों रिजेक्ट किया है। खुद ही थकार के चली जाएगी। और वैसे मैं सोच रहा था कि ये भी तो हो सकता है कि वो मेरा दिल जीतने में कामयाब हो जाए। वैसे लड़की बुरी नहीं है, उसको एक चांस देना चाहिए। देखते हैं। वेरी में मुझे ऐसा लगा कि वो ना सुनने के मूड में नहीं है, और जो वो सुनने के मूड में है वो मैं कहने के मूड में नहीं हूं, इसलिए बात जहां थी मैंने वहीं रोक दी। अच्छा, तो वो जिसे तू फोन पर बात करता है वो तेरे म्यार के मुताबिक है ना? रहने दो, खुले बाल तुम पे अच्छे लगते हैं। वापस कब आएगा? आ जाऊंगा यार। तैयबा मेरी बच्ची, जब तक जिंदगी लिखी है जीना तो है, मेरी तरह घुट घुट कर मरना है या हालात का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ना है, फैसला तुम्हारे हाथ में है। बंद मुट्ठी खोलो और तकदीर को आजमाओ। डर, खौफ, आंसू बज़दिल और कमज़ोर होने का सबूत है। उठो और हालात से लड़ जाओ। हार नहीं माननी बेटा। हेलो सरोप, जल्दी से छत पे आओ। रेहान तुम आ गए हो? नहीं, अभी तक वहीं हूँ। अरे आ गए हो जब भी तो तुम्हें छत पे आने के लिए कह रहा हूँ, जल्दी आओ, मैं वेट कर रहा हूँ।